हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हमारे होने वाली है वो होने वाली है चुनने या फिर आप कहो पिन वॉर्म्स के ऊपर। ये वीडियो हर किसी के लिए उपयोगी है क्योंकि ये वाली जो बीमारी है हर किसी के घर में अक्सर होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चुनने होते हैं या चुनने होते हैं, इन सबको आप जानते ही होंगे कि ये किसी बच्चे के हो, ये बड़े इंसान के भी हो सकते हैं, बूढ़े के भी हो सकते हैं, जवान के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। और इसके होने के जो रीज़न है वो भी बहुत सारे होते हैं, उनको भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि अगर आपको हो गए हैं तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसी दवा जिसको आप 2 से 3 दिन के अंदर, जैसे ही चुनने की कंडीशन होगी, यानी कि ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन, अगर थोड़े से होंगे तो 1 दिन में आपके चुनने जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उनको इंग्लिश में बोलते हैं पिन वॉर्म्स, या आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये जो दवाई है ना, ये भाई 100% कारगर है और आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट देगी। फ्री फंड की दवाई आपके घर में रसोई में मिल जाएगी आपको ये दवाई। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनने बड़े इंसान के होते क्यों, किस वजह से हो सकते हैं, उसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ। देखिए, बड़े इंसानों का क्या है, ज़्यादा लंबी बाइक राइडिंग करने से हो सकते हैं, और जो है ज़्यादा देर सिटिंग जॉब करने से हो सकते हैं, और जो है काफ़ी सारे रीज़न होते हैं होने के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे खाने पीने के ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं इनके होने के। लेकिन अगर हो गए तो इनका इलाज क्या है। देखिए दोस्तों, इसका इलाज जो है बहुत सिंपल है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले दिन हो सकता है अगर आपके ज़्यादा होंगे तो पहले दिन हो सकता है आपको असर थोड़ा कम हो, लेकिन अगर आपके थोड़े से होंगे, यानी कि हल्का इन्फेक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ होगा, पिन वर्म्स वाला जो इन्फेक्शन है वो अभी स्टार्ट ही हुआ होगा, तो वो आपका हो सकता है 1 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये गारंटी का इलाज है, बिल्कुल ट्रस्टेड है एकदम, मैंने खुद करके देख रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो 100% या 200% आता है फ्री का। तो फ्रेंड बताता हूँ आपको, देखिए आपको करना क्या है, आपको जो करना है, आपको अपने रसोई में से सरसों का तेल लेना है। लेकिन फ्रेंड, सरसों का तेल ऐसा नहीं लेना कि भाई आपको परिवार का सरसों का तेल ले लिया, या फिर आप कोई भी सरसों का तेल उठा लो, ऐसा लोकल तेल नहीं लेना। जो तेल अच्छा हो कंपनी का, या फिर आपको घर का तेल अगर मिल जाए, किसी के घर में भी मिल जाए, किसी के घर में अगर अच्छा तेल मिल जाए, उससे बढ़िया तो कोई इलाज ही नहीं है। सरसों का तेल चाहिए, प्योर सरसों का तेल। अगर नहीं है तो आप दुकान का ले सकते हो, उसका थोड़ा रिजल्ट जो है वो थोड़ा स्लो आएगा। आपको क्या करना है, घर का सरसों का तेल लेना है थोड़ा सा, और उसको क्या करना है, जिस एरिया में चुनने हो रखे हैं, यानी कि जो एरिया इन्फेक्टेड है, जहाँ से आपका स्टूल निकलता है, उस एरिया पे आपको क्या करना है, उस तेल को लगा लेना है जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, उस पूरे एरिया पे लगाना है उस तेल को, सरसों के तेल को। और ये आपको लगाना कब है, जब आप पोटी करते हो, उसके बाद में जब आप बिल्कुल साफ धुल धाल के एकदम बढ़िया से, जब बिल्कुल एरिया साफ हो जाए, जब आपको लगे कि अब मेरे को पोटी नहीं जाना है कम से कम 10-12 घंटे के लिए, तो आपको उस एरिया पे आपको क्या करना है, उस एरिया पे सरसों का तेल लगाना है। बस इतना काम आपको करना है। ये काम आपको कब करना है, एक तो सुबह के टाइम करना है, एक आपको सोते वक्त, शाम को सोते वक्त करना है। बस इतना सा काम आप कर लो, आप देखोगे जिस दिन आप सरसों का तेल लगाओगे उसी दिन आपका शाम तक काफ़ी रिजल्ट मिल जाएगा। काफ़ी बोल तो 80-90% तो आपके ठीक हो जाएंगे शाम तक ही, लेकिन जो थोड़े बहुत बचेंगे, अगर मान लो आपका इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने का मतलब है कि आपको 2 दिन लगाना पड़ सकता है, 1 दिन आज 1 दिन कल, अगर ज़्यादा ही हो रखे हैं तो आपको 3 दिन लगाना पड़ सकता है। बेस्ट, लेकिन ये फ्री फंड की दवाई है और इससे अच्छी दवाई मैंने हो सकता है आज तक नहीं देखी है। आप इसको जरूर ट्राई करें, और जिस जिसका ये ठीक हो जाए प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि लोग बाग कमेंट्स में बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये आपको बच्चों के लहीने लगाना, आप बच्चों के भी लगा सकते हो, बच्चों का भी आपके इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके ठीक हो जाए तो कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।